नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है SBI का बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन 1 मई 2023 से इसमें बहुत सारे चेंजेज किए जा रहे हैं। हो सकता है वो चेंजेज आपको पसंद ना आए और आप इस कार्ड को यूज करना छोड़ दें, या फिर आप खुद ही फैसला करें कि जो भी चेंजेज है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अब तक आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे थे इस कार्ड में और 1 मई से चेंजेज क्या होने वाले। तो देखिए, अभी की अगर बात करें तो SBI का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड था, इसकी ज्वाइनिंग फीस थी 999, और पहले ईयर का जो एनुअल फीस था वो माफ हो जाता था। सेकंड ईयर से आपको 999 का वापस से एनुअल फीस लगता था, लेकिन अगर आप 1 साल में 2 लाख की स्पेंडिंग कर देते थे तो वो फीस भी वे ऑफ हो जाती थी। तो ये तो इसके चार्जेस थे। बेनिफिट क्या था, जैसे इसका नाम है भाई कैशबैक, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि यहाँ पे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस कार्ड को यूज करके अगर शॉपिंग करते थे तो आपको यहाँ पे 5% कैशबैक मिलता था। अगर बात करें कि भाई और लोग जो 5% कैशबैक दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत लिमिट है अभी भी। जैसे मान लीजिए एक्सिस का फ्लिपकार्ट है का जो क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, तो वहां पे क्या होता है कि आप अगर मिंत्रा से या फिर फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करते तभी आपको 5% मिलता है। अमेजोन ICICI में भी क्या है कि आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो, आप प्राइम मेंबर है तो ही आपको 5% मिलता है। लेकिन ये जो कार्ड था इसमें अभी तक ये फीचर था कि भाई आपके पास SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो नाम ही कैशबैक है, तो आपको 5% कैशबैक मिलता था। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके उसको स्पेंड करें। एक थोड़ा सा क्लोज इसमें जरूर था कि अगर मान लीजिए आप फ्यूल भरवाते, रेंट कहीं देते हैं, या फिर वॉलेट में मनी लोड करते हैं, या फिर EMI बनवा लेते हैं, तो आपको फ्री कैशबैक नहीं दिया जाता था। और मैक्सिमम जो कैशबैक था वो भी 1 मंथ में 10,000 रुपये तक आप ले सकते थे। इसका मतलब ये है कि 1 महीने में 10,000 तक का कैशबैक आपको मिलता ही मिलता था, ये लिमिट थी। यानी आप 1 महीने में अगर 2 लाख की स्पेंडिंग करेंगे तब जाके आपके 10,000 का कैशबैक बनता है। अब मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 महीने में 2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करता होगा ऑनलाइन। तो कुल मिला के एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि अनलिमिटेड कैशबैक यहाँ पे मिलता था। इसके अलावा क्या था कि जो भी यूटिलिटी बिल होते हैं हमारे, जो भी बिल पेमेंट हम करते हैं बिजली का पानी का, उन सबके पेमेंट पर भी अब तक 1% का कैशबैक आपको दिया जाता था। और 1 साल में 4 एयरपोर्ट लाउंज का भी एक्सेस आपको फ्री में मिल जाता था। तो ये था SBI में जो कैशबैक कार्ड है जिसमें अब तक इतने फायदे मिलते थे। अब बात करेंगे भाई 1 मई से चेंजेज क्या होने वाले हैं। अब यहाँ पे 1 मई से जो चेंजेज होंगे वो चेंजेज ये होंगे कि भाई आपको 5% एक तो कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ कंडीशन में नहीं मिलेगा वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले यहाँ पे जो लिमिट थी वो थी कि आप 1 महीने में मैक्सिमम 10,000 तक का कैशबैक ले सकते थे। यानी आपके 2 लाख की अगर स्पेंडिंग करते हो तो आपको 10,000 का कैशबैक मिल जाता था। उसकी लिमिट को घटाकर अब कर दिया है 5,000 रुपये। यानी आप 1 महीने में 5,000 तक का ही कैशबैक ले सकते हैं। यानी कि 1 लाख रुपये की ऑनलाइन स्पेंडिंग आप करोगे तो आपका 5% 5,000 आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा करोगे तो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डाउनग्रेड तो किया है, बट उतना ज़्यादा मतलब नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपये ऑनलाइन स्पेंड करना हर महीने भी एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इससे शायद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और डाली गई है जहाँ पे कैशबैक आपको दिया ही नहीं जाएगा। जैसे कि आप मान लो ऑनलाइन कोई ज्वेलरी बाय करते हैं, कोई स्कूल वगैरह में पेमेंट करते हैं, या फिर कोई एजुकेशनल सर्विस लेते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले लेते हैं, या फिर आप इससे कोई भी स्कूल वगैरह के लिए पेमेंट वगैरह करते हैं, मतलब कोई एजुकेशनल या स्कूल की कोई सर्विस लेते हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदते हैं, तो यहाँ पे अब आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कैशबैक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल पेमेंट था, यानी बिल जो आप पेमेंट करते थे नल का, बिजली का, जो भी आप बिल पेमेंट करते थे, उन पे जो 1% कैशबैक आपको पहले मिल रहा था, 1 मई से अब आपको वो भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह बाय करते हैं तो वहाँ भी आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो सुवेनियर शॉप होती है, जैसे मैं आपको थोड़ा इजीली समझा देता हूँ, जैसे आप कहीं भी जाते हो, मान लो आप मालदीव गए, या मान लीजिए आप चले गए कश्मीर चले गए, या आप लद्दाख चले गए, तो वहाँ पर कुछ ऐसी शॉप होती है जो ऐसे प्रोडक्ट सेल करती है जिनको अपनी यादों के लिए लेकर आता है, मेमोराइबल होता है, जिसको हम सुवेनियर शॉप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सपोज पेरिस चला गया, तो वहाँ पे उसका सुवेनियर शॉप पे हमको ऐसे आइटम मिलेंगे जो हमें एक है ना पेरिस से रिलेटेड होंगे, हमें याद दिलाएंगे, मेमोरी के लिए हम खरीद के लाते हैं। तो उस तरह के प्रोडक्ट के लिए भी अगर आप इसे यूज़ करोगे तो भाई साहब यहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेलवे में अगर आप इसे यूज़ करते हो, रेलवे की कोई सर्विस लेते हो, कुछ भी आप टिकट वगैरह बुक करते हो, तो वहाँ भी आपको कोई भी जो है कैशबैक आप देखने को 1 मई के बाद नहीं मिलेगा, 1 मई 2023 से।
इसके अलावा जो आपको पहले एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा था अब वो भी बंद कर दिए, 1 मई 2023 से इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की, वो एज इट इज रहेगी। 999 ज्वाइनिंग फीस रहेगी, फर्स्ट ईयर माफ हो जाएगी, सेकंड ईयर आपको 999 देने पड़ेंगे, और अगर आप 2 लाख की स्पेंडिंग करेंगे तभी वो वे ऑफ होगी। तो कुल मिला के ये सब चीजें जो है डाउनग्रेड कर दी गई है। तो अब अगर आपके पास कार्ड है तो बस आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 5000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं 1 महीने में, बाकी जो फीचर है वो कम कर दिए गए। तो अब अगर आप इस कार्ड को पहले से यूज कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 1 मई 2023 के बाद क्या ये कार्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप नया बनवाने जा रहे थे तो क्या अब आप नया अप्लाई करोगे इस कार्ड को। जो भी आपकी ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जानकारी जो थी वो मैंने आपको पूरी देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।